लगभग देखिए एक टॉपिक है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। अब ध्यान से देखिए, बाहर वाले बच्चे भी बड़ा शांति से बैठे होंगे, अब ध्यान से सुनना बात को, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि 99% बच्चे जिन्होंने मैथ में, चाहे मैथ पहले पढ़ रखा है चाहे नहीं पढ़ रखा है, 99% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टॉपिक नहीं पढ़ रखा होगा। सिर्फ 0.1% होंगे जिन्होंने पहले देख भी रखा होगा, तो उनके लिए पक जाएगा टॉपिक। इसके अलावा से एक क्वेश्चन मत करना, अब जितने भी क्वेश्चन कराओ गारंटेड, चाहे आप बैंकिंग का एग्जाम दें, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दें, चाहे आपके एसएससी वाले पेपर में रीजनिंग में ये टॉपिक आता है, बिना पूछे ही आता है। लिख के नहीं देता है लेकिन बिना पूछे टॉपिक डालता है ये। तो एसएससी के अंदर ये रीजनिंग में आएगा, रेलवे के अंदर ये मैथ रीजनिंग कहीं से भी पूछ लेता है, बैंकिंग के अंदर तो पूरा ही टॉपिक है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। अभी पहले परमुटेशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद कम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कम्बिनेशन सबको नहीं पढ़ना, वो फिर बैंक वाले बच्चों को ही पढ़ना है। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। ये है, अरे उनके लिए स्टूल, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्म चय व संयोजन। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्म चय व संयोजन। देखिए ये एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है, मिला के पूरा टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसलिए एक साथ लिखा गया है। अब अगर मैं बात करता हूं परमुटेशन की, तो लोकल भाषा में अगर मैं बताऊं तो इसका लोकल नाम होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट आज जो क्लास चलेगी ना, हर बच्चे के पेपर में क्वेश्चन है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो राजस्थान का कोई लोकल एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, या तो रीजनिंग में या तो मैथ में, ठीक है ना। आज की क्लास परमुटेशन के ऊपर है। अभी जैसे ही परमुटेशन कंप्लीट होगा, तीन तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जब कम्बिनेशन सिर्फ बैंकिंग का है, उसके वो बाद में, वो मैं अलग से बता दूंगा चीजें। तो अभी जितने भी क्वेश्चंस होंगे बहुत जीरो से स्टार्ट करेंगे, एक 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 बात को करते हुए, ताकि बाहर वाले बच्चे भी बहुत आसानी से समझ पाए। रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बैंक में तो आता ही है। अरेंजमेंट और कम्बिनेशन है, इसको अगर मैं लोकल भाषा में बोलूं तो सिलेक्शन। अरेंजमेंट मतलब व्यवस्थित करना, कि भाई व्यवस्था बनाए रखनी है, कि इसके पीछे वो बैठेगा, उसके पीछे वो बैठेगा, उसके पीछे वो बैठेगा, इस तरीके से बैठने में व्यवस्था, या किसी भी तरीके की व्यवस्था, उसका नाम, टेक्निकल नाम है परमुटेशन। तो परमुटेशन के अपने रूल रेगुलेशन है कुछ। और सिलेक्शन करना, किन्हीं चीजों में से सिलेक्ट करना, कि भाई 16 क्रिकेट खिलाड़ी है, इनमें से विराट कोहली के लिए 11 खेलने हैं, तो उसका बड़ा दिमाग घुमा कि किसको खिलाएं। फिर उसके बाद उसके अंदर टाइप्स ऑफ सिलेक्शन, कि ओपनिंग में राहुल जाएगा कि शिखर धवन जाएगा, अगर वो जाएगा तो फिर मैं कहां जाऊंगा। इस तरीके से देखिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसे नहीं, क्योंकि फिर पहचान, एक घंटे के बाद बोल लेना, उसके बाद हमारे पास दिमाग में कुछ पानी रहेगा तभी तो बजेगा, एक घंटे तक बिल्कुल शांत। तो उसके बाद फिर इस तरीके का सिलेक्शन होता है कि इस पोजीशन पर तो ये होगा फिक्स, अब बाकी पे देख लो भाई कौन कौन है। तो मतलब कुछ तो होगा कि बस 11 सिलेक्ट करने हैं 15 में से, 16 में से, फिर कुछ होगा कि इन 15 में से 11 सिलेक्ट तो करने हैं, भाई मैं तो खेलूंगा वन डाउन पर, रह गए 10, अब बाकी 10 में देख लो तुम किसको। तो इस तरीके का, तो किसी चीज में से सिलेक्ट करना हो बिल्कुल आराम से पता चलेगा। तो अभी पहला काम हम स्टार्ट करेंगे परमुटेशन के ऊपर। परमुटेशन का पहला रूल क्या बोलता है, एक ही रूल है, ध्यान से समझेंगे सारी कहानी। जिन बच्चों ने नंबर सिस्टम पढ़ रखा है, उन्होंने एक, मैंने नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या में एक बात बताई थी मैंने, कि फैक्टोरियल,
फैक्टोरियल लिखते हैं ऐसे या फैक्टोरियल को लिखते हैं ऐसे, इसका मतलब क्या होता है कि इस नंबर से 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, मतलब जो भी नंबर आपने लिखा उस नंबर से एक तक की गुणा, ये बोला है उसने। ठीक है बात। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब है कि इस नंबर से शुरुआत करो, कोई नंबर मिस ना हो और एक तक आप लगातार लिखते चले जाओ, तो ये होता है फैक्टोरियल का काम। बस ये चीज तो आपको कुछ बच्चों ने अभी सुनी होगी जिनका नंबर सिस्टम नहीं हुआ है, और कुछ बच्चों ने नंबर सिस्टम वाली चीजें सुन रखी होगी। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि परम्यूटेशन एंड कम, आपने नाम लिख लिया, इसको लिख लेना ताकि फिर मैं उस वर्ड को हटा दूं वहां से, जिसने नहीं लिखा है इसको लिख लेना, जो जो चीज मैंने लिखी है इसको नोट कर लीजिएगा। आवाज नहीं है बिग बाजार वाले ने, एक बार चेक करना यहां से, कुछ इनको फोन कर, बस 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 ठीक है, उसको चेक करो, बस यही बता रहा था। और इतने कैसे कनेक्ट हो रखे हैं, चलो सीख ले लो, देखिएगा देखिएगा परमुटेशन अरेंजमेंट व्यवस्था। अब टॉपिक पहले हम करेंगे परमुटेशन वाला, कर्मचय मतलब क्रम के अंदर व्यवस्था बनाना, क्रम के अंदर। ठीक है बात को। अब इसका एक फॉर्मूला है सीधा सा, NPR, बस एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है। N है मैक्सिमम, N इनफाइनाइट, जितना आपको दे रखा है मैक्सिमम चीजें जो आपको गिवन कर रखी है, ये तो है मैक्सिमम अधिकतम। एन है मैक्सिमम अधिकतम। ठीक है। आर है रिक्वायरमेंट, जितने की जरूरत है, आर है रिक्वायरमेंट, लिख लेना मेरे साथ साथ इस बात को, रिक्वायरमेंट। अरे एक ने बोल दिया, मैंने सुन लिया है। अधिकतम, ये है रिक्वायरमेंट जरूरत। ये है जरूरत कि कितने की जरूरत है। हिंदी वाले अपना हिंदी में लिखना और इंग्लिश वाले इंग्लिश में, बस इतनी ही चीजें, बाकी तो क्वेश्चन तो सबके अपने अलग अलग है। अब देखिए, जो ये फॉर्मूला मैंने बताया है, अधिकतम ऊपर पी और आर, जब इसको सोल करेंगे ना, तो इसको सोल क्या करेंगे, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई
देखिएगा n माइनस r, इसको नोट कर लो, n p r बराबर है फैक्टोरियल n अपॉन में n माइनस r, फैक्टोरियल n अपॉन में n माइनस r, n है अधिकतम और r है रिक्वायरमेंट, n है अधिकतम और r है रिक्वायरमेंट। तो बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसके बाद सारी चीजें आपकी सोल्व होती चली जाएंगी। देखिएगा एक छोटे से एग्जांपल से शुरुआत करते हैं, पहले बस इस बात को ही बहुत अच्छे से समझ लें। और जैसे मैंने बोला 5p2, तो इसका अगर मैं मीनिंग निकालूं तो इसका मीनिंग निकला ऊपर जो रखा है उसका फैक्टोरियल, नीचे वाले को ऊपर वाले में से माइनस कर दो, 5 माइनस 2, ठीक है। अब 5 फैक्टोरियल का मतलब है कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 × 4 = 3 × 2 = 1, और नीचे जो है 5 में से 2 गया तो बचा कितना, 3। अब 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 = 1, 3 × 2 = 1 से 3 × 2 = 1 कट गया तो कितना बच गया है, 5 × 4। अब हम सोचेंगे कि ऐसे तो समय ज्यादा लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ये तो मैंने वो तरीका आपको बता दिया कि जिस तरीके से पेपर में लिखते थे 11th-12th क्लास के अंदर, जिस तरीके से लिखते थे, जिसने पढ़ रखा होगा मैथ उस वक्त में, उसने आपको बता रखी होगी बात। अब देखिएगा डायरेक्ट कैसे, अगर मैं आपको एक बात बोलूं 7c और मैंने यहां पे बोल दिया 4, तो इसका मतलब यह है कि 7 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 7 - 4। अच्छा कॉमन ये पी है, पी 7 - 4। अब अगर मैं बात करूं इसको मैं लिखूंगा तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और 7 में से 4 गया तो ये तो आ जाएगा 3 × 2 = 1, 3 × 2 = 1 से 3 × 2 = 1 गया तो 7 × 6 = 5 = 4। अब एक बात समझ आई कि अगर मेरे को पेपर में लिखना होता तो मैं इसको ऐसे लिख के उसको बताता कि मेरे को ये आता है। अब वो कह रहा है कि आपको आता है नहीं आता है मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे मतलब इससे है। तो मुझे लगा कि जब आपको मतलब इससे ही है तो फिर मैं ये क्यों लिखूं, और जब आपको मतलब इससे ही है तो मैं फिर ये क्यों लिखूं, मैं तो फिर डायरेक्ट ही वो लिख लूंगा। डायरेक्ट कौन सा, ऊपर 5 है, 5 से शुरू करो और कितने नंबर लिखने हैं, 2, 5 और अगला 4 हो गए ना 2 नंबर। जैसे वो कह रहा है कि 7p4, वो कह रहा है कि मेरे को इससे भी कोई मतलब नहीं, मेरे को इससे भी कोई मतलब नहीं, मेरे को मतलब है सिर्फ रिजल्ट से। तो मैंने बोला कि मैं 7 से शुरू करूंगा और कितने नंबर लिखूंगा, 4 नंबर लिखूंगा, तो 7, 6, 5, 4 हो गए 4 नंबर।
ऊपर से शुरू करना है और जितने नंबर हमारे को दे रखे हैं उतने ही नंबर आपको लिख देने हैं। बात समझ आ गई? डायरेक्ट सीधा आपको ये काम करना है, तो नोट करिए इस बात को और इस बात को अपने लोकल भाषा में लिख लेना कि ऊपर से शुरू करके नीचे जितने भी शब्द हैं उतने ही शब्दों को लिख देना है। चार हैं तो चार अक्षर लिखने हैं, शुरू कहां से करना है? सात से। नीचे दो हैं तो दो अक्षर लिखने हैं, शुरू कहां से करना है? पांच से। ठीक है, मुझे बताएंगे आप सभी, ये बात लिख लेना क्योंकि अभी सुनाई दी है लेकिन बाद में याद नहीं रहेगी। नोट इस हिसाब से बनना चाहिए कि तीन महीने बाद भी कॉपी को पढ़े तो क्लास की यादें ताजा हो जाए। देखिए, अगर मैं आपको बात करूं, मैंने बोला 15P2, इसका मतलब क्या है कि 15 से शुरू करना है और कितने अक्षर लिखने हैं? दो। तो आ जाएगा 15×14। लिखते रहिए चीजों को, लिखते रहिए 15P2। जैसे अगर मैं बात करूं कि यहां पर 8P3, इसका मतलब क्या है? कितने अक्षर लिखने हैं? तीन अक्षर लिखने हैं। शुरू कहां से करना है? आठ से शुरू करना है। 8, 7 और 6, ये लो जी, 8, 7 और 6, ये लो। तो ये बात तो आपको डायरेक्ट समझ आ गई है, जहां पर पी लिखा होगा वहां पर आप समझ जाएंगे परमुटेशन का व्यवस्थित। तो लिखिएगा टाइप वन, उससे पहले आसान वाले टाइप। शब्द लेते हैं, बहुत बार देखा गया है रीजनिंग में, वही एग्जांपल उठाऊंगा मैं, कॉमन एग्जांपल है। BAT शब्द को लिखिएगा, BAT के शब्दों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? In how many ways words can be arranged? In how many ways words can be arranged? In how many ways words can be arranged? इधर देखिएगा, अब कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? सबसे छोटी छोटी बातें हैं, 8 या 9 क्वेश्चन करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन रीजनिंग के, आपके पन के जो रेलवे में पूछे गए हैं, जो बैंकिंग में कंप्लीट, सिर्फ 9 क्वेश्चन के अंदर सारी टाइप आ जाएगी। ध्यान से समझना, टाइप 2 ही है लेकिन बस वो प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहले एक तो इस तरीके से व्यवस्थित कर दिया, मीनिंग कुछ भी निकले, बस उसने बोला है कि अक्षरों को आगे पीछे कर सकते हैं, मीनिंग कुछ भी निकले, बी के बाद ए आ गया। अगली बार मैंने क्या किया, बी के बाद टी आ गया, मीनिंग कुछ भी निकले। अब तीन शब्द जब दो बार भी आ गया, अब ए को आगे कर दो, ए के बाद बी आगे कर दो, टी पीछे कर दो। अब ए के बाद एक बार बी आ गया था, एक बार टी आ जाएगा, अब की बार टी को सबसे आगे कर लो, टी ए बी। अब टी के बाद क्या आ गया है, अगर टी के बाद ए आ गया तो अब टी के बाद
ये लो जी बस लास्ट लेवल था। अब इस तरीके से हम कब तक जुड़ेंगे, क्या करेंगे? मैंने आपको ये क्वेश्चन का मीनिंग समझाया है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, कि शब्दों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। समझ गए हो? अब अगर मैं बात करूं कि जैसे मेरे को दे रखा था शब्द बैट, इसके अंदर है तीन अक्षर, अगर तीन अक्षर हैं तो इसको फैक्टोरियल तीन के तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। शब्द कितने हैं? तीन, फैक्टोरियल तीन के तरीके से। तो फैक्टोरियल तीन कितना है? तीन गुना दो छह, तो आंसर कितना आ जाएगा? नोट करिएगा, जितने अक्षर होते हैं उतने ही तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, जितने अक्षर होते हैं उतने ही तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। सबसे पहला शब्द आया, कोई रिपीटेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। अगला अक्षर, एप्पल को, एप्पल शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? एप्पल शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? इन हाउ मेनी वेज वर्ड्स कैन बी अरेंज्ड, इन हाउ मेनी वेज वर्ड्स कैन बी अरेंज्ड, इन हाउ मेनी वेज वर्ड्स कैन बी अरेंज्ड। अब देखिएगा, दूसरे स्टेप के ऊपर ही क्या आया? ये तो ठीक, ये तो बात मैंने सीख ली, एक दो तीन चार पांच, तो मैंने एक बात तो सीख ली कि ठीक है फैक्टोरियल पांच होगा। अब दिमाग में एक बात गई कि पी और पी दो बार है, ए के बाद ये वाला पी और बाद में पी ली, अब ए के बाद पिछले वाला पी और बाद में पी ली, कोई फर्क पड़ा क्या? कुछ देर के बाद हम ये भी नहीं पहचान पाएंगे ये कौन से वाला पी था। तो इसीलिए जब भी रिपीटेशन होता है ना किसी अक्षर का, उसको हम क्या करते हैं, उसका कुछ अलग समाधान करना पड़ता है। दिखाने को तो अभी आ गया कि ए के बाद ये पी है, अब यहां तो हमें याद था ये तो था, अब इसको ले आए, वो कोई दूसरा ही कहेगा कि अंतर क्या है भाई, बात तो वही है। अक्षर इधर उधर करने का मतलब है मीनिंग बदलना चाहिए, बस इतना समझ लो लोकल भाषा में। क्लियर होगी मेरी बात? लेकिन अगर इस लाइन को भी हटे तो आप समझ गए होंगे कि जो जो ये शब्द होते हैं ना जितने भी, पी कितनी बार है? दो बार है, जितनी बार है उतने ही फैक्टोरियल नीचे कर दो, ये इसका लास्ट लेवल है। अब देखना कितने क्वेश्चन आए हो, बस दो ही बात थी इसके अंदर। पहली बात, कोई रिपीटेशन नहीं देगा, सीधा फैक्टोरियल, बात खत्म। दूसरी बात, रिपीटेशन देगा, लेकिन रिपीटेशन देने पे अब उस रिपीटेशन देने वाला को क्या करना है, जितने शब्द है उतने को नीचे लिख दो। तो ऊपर जब हमने लिखा कि पांच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक, और नीचे कितना है दो गुणा एक, दो गुणा एक से दो गुणा एक कट गया, तो पांच चौका बीस दिया साठ, तो आंसर कितना आ जाएगा 60। नोट करिएगा क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा 60 कि 60 तरीके से बनाया जा सकता है, 60 तरीके से बनाया जा सकता है। इक्वेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? हाउ मेनी वेज वर्ड्स ऑफ इक्वेशन कैन बी अरेंज्ड, इक्वेशन शब्द के अक्षरों को
कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, हाउ मैनी वेज, वर्ड्स ऑफ इक्वेशन कैन बी अरेंज्ड, हाउ मैनी वेज वर्ड्स ऑफ इक्वेशन कैन बी अरेंज्ड, इक्वेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। इधर ध्यान देंगे सभी के सभी, ए सबसे पहली बात है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, फैक्टोरियल आठ तो ये हो गया। ई दोबारा है क्या, क्यू यू ए टी भी नहीं, कोई है ही नहीं, अगर कोई नहीं है तो आठ गुना सात गुना छ गुना पांच गुना चार गुना तीन गुना दो गुना एक, करिए शाबाश। दो तिया छ चौका चौबीस पंजा एक सौ बीस, एक सौ बीस चौबीस पंजा एक सौ बीस, एक सौ बीस की छह बार सात सौ बीस, सात सौ बीस की सात बार, सात दो नहीं चुका उनचास और एक, सात दो नहीं चुका बचा एक, सात सौ उनचास और एक पचास, पांच हजार चालीस की आठ बार जीरो, आठ सौ का बत्तीस और आठ पंजा चालीस, तो आंसर आ जाएगा चालीस हजार तीन सौ बीस, चालीस हजार तीन सौ बीस आंसर आ जाएगा ये वाला। अगला मैं वही अक्षर उठा रहा हूं जो आए हुए हैं एग्जाम्स के अंदर। रिमेंबर, शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, इन हाउ मेनी वेज वर्ड्स ऑफ रिमेंबर कैन बी अरेंज्ड, रिमेंबर शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, इन हाउ मेनी वेज वर्ड्स ऑफ रिमेंबर कैन बी अरेंज्ड, रिमेंबर शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। इधर ध्यान देंगे सभी के सभी, आपको आता है फिर भी सीखिए, नोट्स बन जाएंगे एक बार ध्यान से, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, फैक्टोरियल कितना आठ। अब यहां मैं देखूंगा आर कितनी बार है, दो बार, इसको मैंने लिखा आर के लिए, और ई कितनी बार है, तीन बार, इसको मैंने लिखा ई के लिए, और मैंने देखा एम कितनी बार है, दो बार, इसको मैंने लिखा एम के लिए, ई आई गया एम आई गया बी है ही नहीं, ई आई गया आर आई गया, समझ में आई बात, जितनी बार भी होगा उतनी ही बार। अब गौर करिएगा बात को कि यहां से तो कट होना ही है, आठ गुना सात गुना छ गुना पांच गुना चार गुना तीन गुना दो गुना एक अपॉन में दो गुना तीन गुना दो और गुना में दो, दो गुनी चार दूनी आठ और तीन से तीन, चार दूनी आठ पंद्रह चालीस गुना छ दो सौ चालीस, नौ सौ चालीस गुना सात सोलह सौ अस्सी आ गया। छोटी सी बात थी जिसको पता है, पता है रीजनिंग के अंदर ये क्वेश्चन जनरली आता है, रीजनिंग के अंदर ये क्वेश्चन जनरली आता है, एसएससी के अंदर, रेलवे के अंदर भी ये क्वेश्चन आता है। और कुछ पूछना चाहते हैं, हाँ पूछिए, रिपीट। देखिएगा शब्द लिखे अपन ने, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ शब्द हो गई, आठ शब्द हो गई। अब आठ के नीचे
आर कितनी जितनी जितनी बार है ना उनको लिखो, आर कितनी बार है दो बार, ई कितनी बार है तीन बारी, और एम कितनी बारी है दो बारी, जो जितनी बारी है उसको नीचे लिख दिया। इस तरीके से व्यवस्थित अपन कर सकते हैं। बात समझ आई सभी को? एक शब्द और लिखते हैं, एक शब्द और लिखते हैं। देखो दो गुना एक आ गया, इस तीन को कैसे लिखा है, तीन गुना दो गुना एक, और इसको क्या लिखा है, दो गुना एक। भाई इसको पहले दो फैक्टोरियल दो गुना एक, फिर तीन फैक्टोरियल तीन गुना दो गुना एक, और फिर दो फैक्टोरियल दो गुना एक, और फिर तो कट किया है सिर्फ। देखिएगा रिकवर शब्द, रिकवर शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, इन हाउ मेनी वेज रिकवर वर्ड कैन बी अरेंज्ड, इन हाउ मेनी वेज वर्ड रिकवर कैन बी अरेंज्ड, इसके शब्दों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। बात समझ में आई तो आंसर बताइए। 1260 बिल्कुल सही है, हर किसी बच्चे का आंसर आना चाहिए, सेल्फ आंसर आना चाहिए। आ गया आंसर, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 सात फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, आर कितनी बार है दो बारी, ये मैंने अलग से एरो लगा के लिख दिया दो बारी, भैया ई कितनी बार है दो बारी, इसको भी मैंने ई लिख दिया, सी नहीं है, ओ नहीं है, वी नहीं है, आ गया। अब देखो गड़बड़ ना हो, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, अब दो फैक्टोरियल दो गुना एक, माइंड माइंड में एक को कैंसिल, दो फैक्टोरियल दो गुना एक, माइंड माइंड में एक को कैंसिल, 2 × 4 कैंसिल, 3 × 6 = 30, 30 × 7 210, 210 × 6 = 126 और 0, आंसर आ जाएगा 1260। शायद आप क्वेश्चन समझ गए हैं अब बात को, तो ये तो होगा सबसे बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अपनी रीजनिंग में आया है खूब बारी, खूब आया है क्वेश्चन, मतलब थोक के भाव में जिसे बोलते हैं। अब देखिएगा वे अब रीजनिंग में यहां तक आया है, लेकिन जहां तक आया है अगर हम वहीं तक पढ़ के जाए, ये क्वेश्चन तीन तीन चार चार साल पुराने पेपर में आप देखेंगे। अब मैं बात करता हूं कि इसके आगे क्या आता है, जो बैंकिंग में और रेलवे में तो पूछा ही जा रहा है, लेकिन अभी रीजनिंग में वहां तक नहीं गया था, लेकिन भाई 3 साल के बाद अपडेशन तो आएगा ना, 3 साल के बाद। कल ही मेरे को एक बच्चे ने बताया, भाई क्या क्वेश्चन आया सीआई का आरबीआई के अंदर, और अगर कि 250 रुपए 3 साल में, ये 3 साल कह रहा हूं, 19 साल में 750 हो गए। शाम के बहस में कल मैंने बताया था ये क्वेश्चन, 250 रुपए 19 साल में 750 हो गए रेट, बताइए हमारे सारे फंडे खत्म हो गए, कि हमने क्या पढ़ा था 125 रुपए 3 साल में 216 क्यूब रूट, 16 रुपए 81 हो गए फोर्थ रूट, इसने बोला 250 रुपए 750 हो गए 19 साल में, 19 साल निकालते रहो इसका 19 रूट। और ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है सीआई का, जब हम इतने अपग्रेडेशन से पढ़ रहे हैं ना, हमारे ही दिमाग घूम जाते हैं। तो मैं बार बार आपको क्लास में क्या बोल रहा हूं कि हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस है यार कि लोग आ ही नहीं पाएंगे, अपने 70 तक भी नहीं आ पाएंगे, क्यों, हमें पता है ना पढ़ क्या रहे हैं। जब हम इतना अपग्रेडेड चीजों को पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद कोई कोई क्वेश्चन हमारे दिमाग को घुमा जा रहा है,
जब को हम घूम सकते हैं तो दुनिया तो पता नहीं कितने क्वेश्चन में घूम रही होगी। अभी सीबीएसई का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया है कि दो साल और तिमाही संयोजित, तो तीन तीन महीने की संयोजित करके एक साल के अंदर ही चार स्लॉट बन गए और चार अगले साल के, आठ स्लॉट का ब्याज निकालना महाभारत है। मतलब कोई तो टेक्निक है उसके पास, उसने पेपर में क्वेश्चन डाला है तो ये तो फिक्स है कि कोई तो टेक्निक है उसके पास जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम को ऑब्जेक्टिव तरीके से करने के लिए। इस बार वो क्वेश्चन ऐसे देने लगा, पहले कैसे देता था कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से भी हो जाता था और क्वेश्चन सब्जेक्टिव से भी हो जाता था, लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे आने लग रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव से ही क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव से होगा ही नहीं। तो लफड़ाई खत्म, क्योंकि भाई भीड़ बढ़ती जा रही है, लिस्ट बढ़ती जा रही है, तो लिस्ट को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका क्वेश्चन ऐसे डालो जिन पर शॉर्टकट जिसने सीख रखे हो, बिना शॉर्टकट के मतलब ही नहीं एग्जाम क्रॉस हो जाए। बेसिक फंडामेंटल जरूरी है, इसलिए मैं क्लासेस में भी आपको बार बार समझाता हूं कि मैथ सीखिए लेकिन उस तरीके से सीखिए जो आना है। लोगों का ध्यान है मैथ सीखने पर, हमारा ध्यान है उस तरीके पर जो काम आना है, जो काम ही नहीं है ना उस तरीका भी क्या फायदा। अब एक बार देखिएगा, ये शब्द आपको समझ आ गया, अब वो इसको किस तरीके से घुमाएगा लिखिएगा। इनसे कितने शब्द बनेंगे, इनसे कितने शब्द बनेंगे यदि सभी स्वर एक साथ हो, हाउ मैनी वर्ड्स फॉर्म्ड, हाउ मैनी वर्ड्स फॉर्म्ड इफ ऑल वोवल्स आर together, if all vowels are together, इनसे कितने शब्द बनेंगे यदि सभी vowels एक साथ हो। अब बात को बड़ा ध्यान से समझना है। पहले तो मैं बता दूं, वैसे सभी को पता होगा लेकिन फिर भी भूल पड़ जाती है, रेलवे वाले बच्चे हैं जिनका इंग्लिश से कोई मतलब नहीं रहता है। ले ये है हमारे वोवल्स स्वर, और इसके अलावा वालों को हम लिखते हैं व्यंजन कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो पांच होते हैं ए ई आई ओ यू, ये है स्वर, वो लिख के नहीं देगा कि ये स्वर है भाई साहब, वो आपको याद रहना चाहिए और याद हो भी गया, बस मैंने रिकॉल करवा दिया है आपको ए ई आई ओ यू। तो सबसे पहली बात, इसको कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि सभी वोवल्स एक साथ हो। ध्यान से समझना, ये पांच लोग जा रहे हैं शहर के बाहर, इन्होंने अपने एक दोस्त को फोन किया कि हम लोग आपके शहर में घूमने आ रहे हैं तो हमारे लिए होटल के रूम बुक करा देना। बोला ठीक है। अब हाँ ओ पी, अब ए और ई ने बोला कि हम हमें तो एक हॉल दे देना, एक बड़े हॉल में रह लेंगे हम। इधर देखो, एक रूम इनके लिए, अब पी बोला भाई अपन तो अलग लेंगे रूम, अब दूसरा वाला पी भी बोला भाई अपन भी अलग लेंगे, और ये एल बोला अपन भी अलग लेंगे। तो कितने रूम चाहिएंगे? चार रूम। तो चार रूम अगर चाहिएंगे तो फैक्टोरियल चार। फिर इसके बाद करते थे फैक्टोरियल चार पे, अब इसके बाद करते थे कि रिपीटेशन, नीचे लिखते थे, याद आ गया, रिपीटेशन कितने अक्षरों की है वो यहां से गिननी है, नहीं कि इस रूम में नहीं, वो इस इनके अंदर गिननी है, ठीक है।
रिपीटेशन कितनों की है, तो ये दो किसके लिए, पी के लिए। बात समझ आ गई। और अब ये इस रूम में भी एक बेड चाहिए, इस रूम में भी एक बेड चाहिए, इस रूम में भी एक बेड चाहिए, इस रूम में कितने बेड चाहिए, दो, डबल बेड। अरे तो डबल बेड में भी तो दो बेड हो गए, तो इसका मतलब कितने बेड चाहिए, दो। तो ये दो से दो कट जाएगा, चार गुणा तीन गुणा दो, चार त्या बारह दुनी चौबीस। इसीलिए तो ये क्वेश्चन एसएससी में नहीं आता है, क्योंकि उन्हें पता है वो मानेंगे ही नहीं, वो सोचे कि भाई क्वेश्चन गलत हो तो हो, बैड तो एक ही रखेंगे, है ना। नहीं, यहां पर क्या करना है कि देखिएगा, दोबारा समझिएगा, ये पांच लोग घूमने गई, मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है कि ए और ई एक साथ रखने हैं, इनके लिए एक रूम बुक कर दिया, बाकी ने सबने अलग अलग रूम बुक कर लिए, तो एक दो तीन चार, चार फैक्टोरियल। नीचे रिपीटेशन वाला ये काम तो अभी तक है, बाद में देखेंगे इसके अंदर कितने लोग हैं, दो है तीन है चार है पांच है, बाद में देखेंगे। रिपीटेशन में कितने हैं, दो है, और उधर एक एक बेड था, इसमें दो बेड आ गए, तो इसका मतलब फैक्टोरियल टू। समझ गए ना बात को, यहां पर आप अपने हिसाब से नोट कर लेना, आप समझ गए हैं। अब दो चार क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आ जाएंगे। उसने बोला थोड़ी कि ये तीनों एक में हो, जब वो बोलेगा तब, उसने सिर्फ ये बोला है कि ये दोनों एक साथ हो, तो इसका मतलब इनके लिए एक और बाकी के लिए अलग अलग। समझ गए ना, अभी पांच छह क्वेश्चन करेंगे, सारे डाउट अपने आप खत्म हो जाएंगे। लिखिएगा इसी से दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट लिख लेना, कितने शब्द बन सकते हैं, कितने शब्द बन सकते हैं यदि सभी व्यंजन एक साथ हो, कितने शब्द बन सकते हैं यदि सभी व्यंजन एक साथ हो, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड इफ ऑल कॉन्सोनेंट आर टुगेदर, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड इफ ऑल कॉन्सोनेंट आर टुगेदर। देखिएगा, अब ये फिर घूमने गए, इस बारी ए अलग रूम लेगा, ई अलग रूम लेगा, इन तीनों के पास पैसे की कमी है, तो इन्होंने बोला कि एक होली ले लेते हैं, पी पी और एल। समझ में आई बात, ये पैसे वाले खानदान से हैं तो शोक पूरे करेंगे, ये कि घूमने गए हैं, इन्होंने लगा कि घूमने फिरने में खर्चा ज्यादा करेंगे, जाके रात 12 एक बजे आप स्टेशन पे उतरे हैं तो जाके सोना ही, तो इन्होंने तो आइडिया दिया कि स्टेशन पे ही सो जाते हैं, लेकिन इनकी वजह से स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ा कि नहीं रूम बुक, तो इन्होंने बोला कि सस्ते वाला, फिर ये नहीं माने तो फिर इन्होंने क्या किया, बजट बाहर ना चला जाए, इन्होंने क्या किया, एक ही रूम बुक। इसने बोला सभी कॉन्सोनेंट एक साथ, सभी व्यंजन एक साथ, सिर्फ कंडीशन एक ही दिए उसने, अभी आएंगे डबल कंडीशन वाले, तो सीधी सी भाषा में मुझे समझ आ गया कि ए के लिए एक रूम, ई के लिए एक रूम, और इनको तो एक साथ रहना है भाई साहब, तो ये बात समझ आ गई। अब देखिएगा कितने रूम है, तीन रूम है। अब नीचे रिपीटेशन, रिपीटेशन कितने की है, दो की है। यहां तक तो चीजें आपको याद हो गई,
जितने रूम हैं और रिपीटेशन जितने की है, और गुणा में इस रूम में कितने बेड चाहिएंगे, तीन बेड चाहिएंगे, तो तीन। अब आंसर निकालिएगा क्या आएगा, कितना आ गया 18, बिल्कुल सही आंसर निकालिएगा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, आंसर निकालिएगा सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए कि 3 × 2 × 3 × 2 अब फोन में 2 × 2 = 3 × 9 = 18 आंसर आ जाएगा, 9 × 2 = 18 आंसर आ जाएगा। अब लेते हैं आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन वर्ड, मैरिज। एकाद एकाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ी पढ़ने, अपने भावनाएं समझाने आया है, उसे पता था कि अक्षरों को व्यवस्थित करना आएगा तो मैरिज को भी, चलो उसका अगला शब्द उसको ले लेंगे। कमाल है, देखिए मेरा दिमाग चलना, देखो लोगों का दिमाग देखिए आप, जैसे ही मैंने बोला कि आपका सबसे बेहतरीन वर्ड बोला मैरिज, देखिएगा। मैथमेटिक्स शब्द, इससे कितने शब्द बन सकते हैं यदि सभी कॉन्सोनेंट एक साथ हो, यदि सभी व्यंजन एक साथ हो, हाउ मेनी वर्ड्स आर फॉर्म्ड इफ ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, कितने शब्द बन सकते हैं यदि सभी व्यंजन एक साथ हो, तो M A को हटा दो, T H E को भी हटा दो, फिर M A को भी हटा दो, फिर T I को हटा दो, C S, ये लोग एक साथ रहेंगे, ये लोग एक साथ रहेंगे तो एक कमरा। बात समझ आई? इसके अलावा A E I E हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 4 6 7 और 4 11, बिल्कुल कोई मिस नहीं है। बात समझ आ गई है? अब एक बात देखो, अब ये बात बिल्कुल बहुत स्पष्ट क्लियर हो गई कि किन्हीं को एक साथ अगर करना है तो उनके लिए एक रूम और बाकी के लिए अलग अलग। बात समझ आएगी? तो ये एक रूम, ये दूसरा रूम, ये तीसरा रूम, ये चौथा रूम, ये पांच रूम, तो फैक्टोरियल 5। अब नीचे क्या आता है? रिपीटेशन, बिल्कुल सही, याद होने लग रहा है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। रिपीटेशन चेक करिए, M 2 बार, तो ये M के लिए, ये T के लिए और ये A के लिए। बात समझ आ गई? यहां तक तो ठीक था, जितने रूम चाहिए है और ये रिपीटेशन, जितने रूम चाहिए हैं और ये रिपीटेशन, और गुणा में कितने, इनमें तो एक एक बेड है तो इनके तो प्रेशर ही नहीं है, क्योंकि एक फैक्टोरियल एक होता है और एक के साथ गुणा करना तो कोई फायदा ही नहीं। लेकिन यहां देखा हमने 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब ये 7, समझ गए?
तो यहां पे लिख लो ये बात, आप भूल न जाए, ये बेड के लिए है, ये एम के लिए है, ये टी के लिए है, ये ए के लिए है, भूलेंगे नहीं। अगला अक्षर अब आप समझ गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया है भाई, यूनिवर्सिटी बहुत बार आया है लाइफ में, बहुत बार आपका आमना सामना हुआ है इस शब्द से। कितने शब्द बनेंगे यदि सभी स्वर एक साथ हो, कितने शब्द बनेंगे यदि सभी स्वर एक साथ हो, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी अरेंज्ड, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड इफ ऑल वोवल्स आर टुगेदर, If all vowels are together, एक मिनट है, सभी बच्चे करके देखेंगे, कोई किसी की हेल्प नहीं, किसी को उत्तर बताना नहीं अभी, न मुझे बताना है, अपने पास रखेंगे आंसर, सभी के सभी बच्चे करके देखेंगे, सीखिए, गलती होगी फिर सीखेंगे, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो काम चलेगा। करिए शाबाश करिए। साठ हजार चार सौ अस्सी, मैं देखता हूं बिल्कुल सही आंसर है, साठ हजार चार सौ अस्सी आंसर दिया है, साठ हजार चार सौ अस्सी आंसर आ गया है कुछ बच्चों का। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका आंसर आ गया है, कुछ बच्चों का आ गया है, कुछ रह गए हैं, कोई बात नहीं, सीखना शुरुआत करते, ये शब्द बार बार दे रहा है, देखिएगा, इसने बोला सभी स्वर एक साथ हो, ऑल वोवल्स यू आई ई आई, बस इनके लिए एक रूम, एल वी आर एस टी और वाई, और यहां से दो तीन चार पांच छह सात,
बात समझ आई? जो चीज एक साथ करनी है ना, उसका एक रूम, खत्म कहानी उसकी तो, और बाकी सभी के लिए अलग अलग रूम। जिन बच्चों का आंसर नहीं आया, मैंने चलने को इसलिए बोला था कि आपको पता चलेगा कौन सा पॉइंट आपको रोक रहा था। तो इसका मतलब ये तो हो गया भाई फैक्टोरियल सात। स्टेप याद रखो, स्टेप याद रखो, धीरे धीरे अगर काम करना शुरू करेंगे तो स्टेप याद होना स्टार्ट होंगे। नीचे था रिपीटेशन, जिन बच्चों का आंसर आया और उन्होंने कुछ नहीं किया, एक घंटा पहले वो भी आपके जैसे ही थे, लेकिन उन्होंने बात को ध्यान से सीखा, सीखा भी रहे हैं, बस उनकी कैचिंग पावर थोड़ी ही तेज थी, वो पहली बारी में सीख गए, आप तीसरी चौथी बारी में सीख जाएंगे। अब देखिएगा कितने कितने शब्द रिपीट हो रहे हैं, इनमें तो कोई रिपीट ही नहीं है। आई कितनी बार है? दो बारी। ये भी बात पूरी, ये भी बात पूरी, और अब ये कंडीशन आ गई एक साथ, तो कितने बेड चाहिए? एक दो तीन चार, तो इसका मतलब ये चार बेड चाहिएंगे। बोलिए हाँ कि ना, समझ आई बात? तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो यहां से सात गुना छह गुना पांच गुना चार गुना तीन गुना दो, यहां तक तो ये हो गया क्लियर। और अब चार वाला केस भी यहीं पे रख लेता हूं मैं, चार गुना तीन गुना दो, चल गया काम, फोन में दो, दो से दो, और फिर अभी गुणा किया था तो कितना आया था? साठ, चार सौ अस्सी, ये लीजिए आ गया आंसर, साठ चार सौ अस्सी। कोई चीज मुश्किल नहीं आई होगी, तक क्या कंडीशन आई है कि एक साथ हो, समझ आ गई कंडीशन? अब चाहे मैं शब्द कितने ही लिखवा दूं बात तो समझ ही जाएंगे। अब देखिएगा, अब इसकी रिवर्स कंडीशन देगा, लिखिए क्वेश्चन। शब्द लिखते हैं जो आपने अपने कॉलेजों के अंदर सुन रखे हैं, डायरेक्टर, डायरेक्टर, शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, इनसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें सभी स्वर एक साथ ना हो, जिसमें सभी स्वर एक साथ ना हो। सभी स्वर एक साथ से ना हो, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड इफ ऑल वोवल्स आर नॉट टुगेदर, इफ ऑल वोवल्स आर नॉट टुगेदर। अब एक बच्चा गलती से ये समझेगा कि सभी वोवल एक साथ नहीं है, तो इसका मतलब क्या सभी कॉन्सोनेंट है क्या एक साथ? ना, वो चीज अलग है। जैसा क्वेश्चन लिख के देगा वैसा फॉर्मेट, क्योंकि ये कोई अंडरस्टैंडिंग वाले टॉपिक नहीं है, ये बनाए गए टॉपिक है, रूल के ऊपर चल रहे, एनपीआर के रूल पर है, रूल बनाए जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग कभी बनाई नहीं जाती है, वो धीरे 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 रियल लाइफ से आती है। अब देखिएगा इसने क्या बोला कि डायरेक्टर शब्द से कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं यदि सभी स्वर एक साथ ना हो। बात समझ आ गई? तो सब पहले तो मैं बोलता हूं कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, बाद में देखेंगे। पहली कंडीशन मैं तो देखता हूं शब्द कितने बनाए जा सकते हैं। भाई साहब, एक दो तीन
चार पांच छह सात आठ, कितने शब्द? आठ शब्द, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड क्यों किया है याद है? रिपीटेशन, आर कितनी बार है? दो बार ही। बात बिल्कुल क्लियर है आपको? तो आठ गुणा सात गुणा छह गुणा पांच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो, और अपॉन में दो से दो कट गया, दो से दो कट गया, और दो से अगर दो कट गया है तो यहां से अगर मैं देखूंगा चार तिया बारह पंजा साठ गुणा छह तीन सौ साठ, तीन सौ साठ की सात से गुणा सात छह बयालीस बचेगा, चार इक्कीस और चार पच्चीस, पच्चीस सौ, पच्चीस सौ बीस की आठ से गुणा जीरो, आठ दूनी सोलह बचेगा एक, आठ पंद्रह चालीस और एक इकतालीस बचेगा कितना, और आठ दूनी सोलह चार बीस, इतने शब्द बनाए जा सकते हैं। पहली बात क्लियर। अब इसकी सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये बोलती है कि सभी सबर एक साथ ना हो, तो मैं पहले ये निकाल लेता हूं, सभी सबरों को एक साथ करते हैं अपन, आई ई ओ, ये तीन ही है ना, और एक साथ की कंडीशन तो हमारे को बहुत अच्छे से याद हो गई। एक साथ का मतलब क्या है? एक रूम, बात समझ आई, और बाकी सभी के अलग अलग रूम, तो ये आ जाएगा डी आर सी टी आर, ठीक है। अब ये कंडीशन कौन से निकल के आएगी? एक साथ वाली। पहला एक छोटा क्वेश्चन आया, एक की शब्द कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, बैठ, छोड़ो सारे क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को बैठ, कोई रिपीट नहीं था, फैक्टोरियल तीन। अगला शब्द अपन ने किया एप्पल, पांच तो था ही था, रिपीट। इसके बाद फिर हमने दो तीन क्वेश्चन की इक्वेशन और ये इस तरीके से, फिर हमने क्वेश्चन क्या किया, सभी स्वर एक साथ हो, तो एक साथ वाली कंडीशन सीखी, एक साथ का मतलब एक रूम और बाकी सभी का अलग अलग। फिर हमने सीखा सभी कॉन्सोनेंट एक साथ हो, दो ही तो चीज आ सकती है। और फिर मैंने क्या बताया इसका लास्ट लेवल, कि एक साथ ना हो, समझ गए बात। तो पहले तो अपन निकालेंगे कुल शब्द, फिर अपन निकालेंगे एक साथ वाले शब्द, कुल में से एक साथ वाले घटा देंगे तो बिना साथ वाले बच जाएंगे। तो एक साथ वाले के लिए एक रूम, दो तीन चार पांच छह फैक्टोरियल छह, अपॉन में फैक्टोरियल छह, अपॉन किस लिए करते थे? बिल्कुल याद हो रहा है ना, रिपीटेशन इनमें तो नहीं है, आर की है भाई साहब दो, और गुणा किसके लिए? बेड के लिए, एक दो तीन, तो यहां पर तीन, बात समझ आ गई। तो अगर मैं यहां से देखता हूं छह गुणा पांच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो, और यहां से मैं देखूंगा तीन गुणा दो, और अपॉन में मैं देखूंगा दो से कटेगा, तीन दूनी छह, छह तिया अठारह, अठारह पंजा नब्बे, नब्बे चौका तीन सौ साठ, तीन सौ साठ गुना ये अठारह सौ, तीन सौ साठ गुना छत्तीस पंजा एक सौ अस्सी, अठारह सौ। कुल शब्द इतने हैं, एक साथ वाले शब्द इतने हैं, मेरे को बिना साथ वाले चाहिए। अगर कुल में से मैं माइनस कर दूंगा, इसका तीसरा स्टेप और अंतिम स्टेप, अच्छा गलत आ गया क्या?
अच्छा छह की गुणा करनी थी, मेरे से गलती हो सकती है आपसे नहीं हो सकती, क्योंकि आपके अंदर भूख ज्यादा है। माइनस किसकी जोब लेने की और किसकी होगी धक्कड़ किसकी होगा और किस चीज की भूख है बता शाबाश। फिर कभी बोले कि आप सर ने मेरे से तो पूछा ही नहीं, नहीं तो मैं बताता किसकी भूख है मेरे को, बता भाई किसकी भूख है तेरे, किसकी कब है वो किसकी वाला। अब सब गए भीड़ में, एक बार हिम्मत करके आया था आगे, ये जो दिमाग में जो भरा है ना इसको साफ करो, जब तक ये साफ होगा नहीं तब तक नई बात यहां जाएगी नहीं, तो इसको साफ करो पहले। देखा भीड़ में कल भी एक पता नहीं कौन से बैच में था, मुल्ला तो सीखता है ये देख कितने साइलेंट तरीके से सीखता है। ये भाई तैयारी करने जा रहा था राजस्थान पुलिस की, ये मेरे से मिल लिया, मैंने इसको समझाया, समझ गया, ये समझने के बाद जो इसमें चेंज आया कमाल का चेंज था। लेकिन हकीकत में देखिएगा कहां इसको टाइम एंड वर्क भी समझ में आने में समस्या थी, क्योंकि इसके रूम पे पांच लोग थे, ये चार राजस्थान पुलिस वाले थे। तो जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं ना वैसे ही बन जाते हैं। अभी इसके मन में भी चार दिन तक मैं इसको टाइम एंड वर्क समझाता रहा, लेकिन इसके दिमाग में घूमता रहा वो पुलिस वाला डंडा। लेकिन इसके पांचवें छठे दसवें दिन आके इसने मेरे से बात की। दो तीन दिन ये टेंशन में रहा कि सर ने बोल तो दिया, मैं सर को दोबारा कैसे बोलूं, लेकिन उसके बाद इसे लगा कि हाँ उन डंडे वालों से ऊपर भी कोई होता है वो बनना है। तो उसके बाद अब देखिए ऐसे टॉपिक भी पढ़ने आ रहा है, परमुटेशन कम्यूटेशन समझ में आ रहा है इसको, आ रहा है ना, आ रहा है वो देखो, क्योंकि इसने अपने दिमाग की सफाई कर ली है। अरे एकाधिकार है भूख अभी कौन था वो किसकी वाला था कौन कमाल है। बात समझ आई क्या सभी को, आ गई बात समझ में तो चलिएगा फिर लिखते हैं। अगर बात समझ में आई तो फिर चलो इसी क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन में चलो शब्द बदल देते हैं। इक्वेशन आमना सामना हुआ है इस शब्द से, बहुत बार हुआ है इक्वेशन, और नहीं हुआ होगा तो अभी बीएससी के पेपर शुरू होंगे तब होगा है ना, अभी एग्जाम शुरू होने वाले होंगे। ये समय स्टूडेंट्स के लिए बड़ा खतरनाक होता है, पेपर कैरियर का भी प्रेशर और एग्जाम का भी प्रेशर, लेकिन एग्जाम का या इनका प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। वो डिग्री एक सिर्फ पास होना है, उसमें 70% आएगा तब भी उतना ही है, 65% आएगा तब भी उतना ही है, बस पास हो जाना कैसे भी करके। वो सप्ली बोलते हैं उनको बैक री, अच्छा हर जगह अलग 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 नाम होते हैं। हाँ जो भी है मतलब वो आते हैं, घबराना नहीं है, मैंने भी बहुत ली है खूब ली है मैंने भी थोक के भाव में। एक बार छह पेपर थे, सेकंड थर्ड सेमेस्टर की बात है, छह पेपर थे, छह में से मैंने सोचा छह तो वो और दो पिछले आठ थे। अब आठ में से मैंने सोचा कि यार अच्छा हो गया सब कुछ, कम से कम छह में तो मैं पास हो ही जाऊंगा, कम से कम छह में मैं अपने आप को अचीवमेंट मान रहा था इस बात की कि छह में पास हो जाऊंगा, दो ही तो रह जाएंगे, पिछले दोनों निकल जाएंगे और ये वाले छह में से चार निकल जाएंगे कम से कम, मेरा ऐसा प्रेडिक्शन था। मतलब आठ में से छह में पास दो में फेल। जब रिजल्ट आया सब रिजल्ट आया कहानी उल्टी हुई, मुझे भरोसा नहीं रहा। मैंने उसको बोला कि मेरा रोल नंबर दोबारा डाल, बोले कि रोल नंबर डालने से घर का पता डाले, वेद राशन कार्ड बता रखा है कि भाई साहब आपका इतना है।
उसके बाद मैंने सोचा कि छोड़ देता हूं डिग्री को, लेकिन फिर उसके बाद कर क्या सकते थे। फिर धीरे 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 अगले सेमेस्टर में मेरा मौका लगा, एग्जामिनर अच्छा आ गया और मैं मेरे एग्जाम से एक दिन पहले ही एग्जामिनर के घर में पहुंच गया डिब्बा लेकर, कि या तो ये मेरे को वैसे ही पहचान लेगा, हिलने ही नहीं देगा, और हिलने नहीं देगा तब भी गायब है अपन तो, और एक चांस लेते हैं। वो चांस लिया, मौके पे चौका लगा सारे देखिएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। मैं ये छोटी छोटी बात इसलिए बताता हूँ कि जब मैं तो हकीकत बोलता हूँ यार, कि स्कूल तक कहते ना, स्कूल तक मैं बहुत शानदार पढ़ाई कर रहा था, शानदार। अब स्कूल से कॉलेज में जाते हैं तो हवा लगती है ये सही पहचाना, सही पहचाना, हवा लगती है। उस हवा के झोंके में मैं भी आया आया, लेकिन फिर मैं कहते थे कि कोई कोई तो हवा ऐसी है कि यार चलो बच गया, मैं नहीं बचा लेकिन देखो बता, मैं रहूं एकाध इतना उछल रहा है कमाल है, एकाध तो ऐसा लग रहा हूं कि मेरी तो बता रहे हैं है ना। आजा इधर आ जाइए, अब इधर आइएगा, बहुत अच्छे इक्वेशन, इनसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, इनसे अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, इनसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें सभी स्वर एक साथ हो, जिसमें सभी स्वर एक साथ हो और सभी व्यंजन एक साथ हो, जिसमें सभी स्वर एक साथ हो तथा सभी व्यंजन एक साथ हो। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, इन विच ऑल वोवल्स आर टूगेदर, इन विच ऑल वोवल्स आर टूगेदर एंड ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टूगेदर, इन विच ऑल वोवल्स आर टूगेदर एंड ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टूगेदर। सभी वोवल एक साथ हो और सभी व्यंजन एक साथ हो, ऑल वोवल्स आर टुगेदर एंड ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, दोनों कंडीशन एक साथ दे दी तो ई यू ए आई ओ, पांचों के पांचों ही आ गए शायद, दो दो चार एक पांच, समझ में आई। और यहां रह गया है क्यू टी और एन, क्यू टी और एन, ये एक रूम है, ये दूसरा रूम है, और ये हम जैसी फैमिलियों से बिलोंग करते हैं कि जो शेयरिंग में काम करते हैं। तो अब ये दो रूम है तो फैक्टोरियल दो, कोई रिपीट है नहीं है, और इसमें कितने बेड डलवाए, पांच बेड, और इसमें कितने बेड डलवाए, तीन बेड, तो दो गुणा पांच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो, गुणा में तीन गुणा तीन दुनी छह दुनी बारह तिया छत्तीस पंजा एक सौ अस्सी दुनी तीन सौ साठ गुना चौदह सौ चालीस आ गया आंसर, आंसर आ गया है 1440।
आंसर आ गया है 1440। अलग लगी तो है नहीं, वो सेम नहीं आएगा आंसर। अब आप इन चीजों को समझ गए हो गए, ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे पूछता है, वोवल एक साथ हो, कॉन्सोनेंट एक साथ हो, वोवल एक साथ ना हो, या वोवल और कॉन्सोनेंट साथ साथ हो। बात समझ आ गई ना, वोवल साथ हो, कॉन्सोनेंट साथ हो, वोवल साथ ना हो, या कॉन्सोनेंट साथ ना हो, मतलब नहीं वाले, और वोवल एक साथ और कॉन्सोनेंट एक साथ। बात समझ आ गई। अब ये तो ये अरेंजमेंट था, अब इसके नेक्स्ट अरेंजमेंट कैसे आ सकता है। यहां तक के क्वेश्चन बैंकिंग ने भी पूछ लिए हैं, और यहां तक के क्वेश्चन कोई चीज मुश्किल नहीं होगी। मैंने बताया कि चीजें ध्यान से सीखे तो चीजें मुश्किल नहीं, आपने किस सेंस से सीखी है बात उसके ऊपर है। अब देखिएगा, लिखिएगा, दो तीन क्वेश्चन आपको इसके एक्सपेक्टेड रेंज के करवा देता हूं, किस तरीके से वो आगे क्वेश्चन लेके आ सकता है। लिखिएगा, इनसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, इनसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, इनसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, जिनका पहला शब्द सी हो, जिनका पहला शब्द सी हो। हाउ मैनी वर्ड्स आर फॉर्म्ड having first letter is C, having first letter is C, तीन शब्द है, C आ गया, ये तो फिक्स कर दिया। अब दो जगह बच गई, और लेटर कितने बच गए, तो फैक्टोरियल, फैक्टोरियल दो, तो ये फैक्टोरियल दो का मतलब कितना हो गया है, दो ही शब्द बनाए जा सकते हैं। जितने अक्षर होते हैं उतना ही फैक्टोरियल, जितने अक्षर होते हैं उतना ही फैक्टोरियल। अभी समझाया तो था कि सी के बाद एक तो ए आ सकता है टी, अब सी के बाद टी ले आओ, बस ये दो ही तो है, तीसरा तो कोई शब्द ही नहीं है। सी के बाद ये अभी आ सकता है, सी के बाद ये भी, कि सी को फिक्स कर दिया, किसी एक लेटर को फिक्स करना, किसी एक लेटर को फिक्स करना। क्लियर है, लिखिएगा, एप्पल शब्द से, एप्पल शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनका शुरुआती अक्षर पी हो। हाउ मैनी वर्ड्स आर फॉर्म्ड, हाउ मैनी वर्ड्स आर फॉर्म्ड, हाउ मैनी वर्ड्स आर फॉर्म्ड स्टार्टिंग लेटर पी। How many words are formed starting letter P? तो ये तो आ गया है P। तो ये P शब्द लिख लिया, तो यहां पर कितने शब्द कितने बच गए? अगर एक P को मैं हटा भी दूं, कौन से कोई हटा लो, सेम ही है बात, वो दो
तो कितने अक्षर बच गए अब आपके, तो 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 × 3 × 2 × 4 × 12 × 24। तो इसका मतलब जो पी से शुरुआत करेंगे कितने अक्षर हो सकते हैं। अभी उसने बोला कहा है, अभी आएगा, अभी अगली इसी का दूसरा पार्ट लिखवाता हूं। सुबह दूसरा पार्ट करिएगा, जिनके मन में अभी कंफ्यूजन है कि सर रिपीटेशन, इसमें यही तो बोला है, रिपीटेशन आया कहां, पी या एक पी इनमें से निकल के आ गया, ये पी तो उसने निकाल लिया यहां से, कहां है रिपीटेशन। जो आपके पास चॉइस है ये 4 शब्दों की है, कहां है इसमें रिपीटेशन। ये तो फिक्स कर दिया कि सब ये तो पी आना है। आप बोलेंगे कि सर मैं तो इसको लूंगा, लो भाई इसको ले लो, कहां है रिपीटेशन। जो जो आपके लिए उसने छोड़ा उसमें रिपीटेशन कहां है। अब देखिएगा, मैं इसी का सेकंड पार्ट, मैं पहले ही तैयार था उस चीज के लिए। हाउ मेनी वर्ड्स फॉर्म्ड स्टार्टिंग लेटर ए, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि शुरुआती अक्षर ए हो, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि शुरुआती अक्षर ए हो। तो ए आ गया, उसने ए हटा दिया, तो बस अब जो हमको दिया है ना उसमें चेक करो अक्षर कितने हैं। तो फैक्टोरियल 4, अक्षर कितने हैं, अरे रुको यार, अक्षर कितने हैं, फैक्टोरियल 4। और अब यहां पर मैं देखूंगा अब रिपीटेशन है कि नहीं है, है। और अब रिपीटेशन है तो कितना आ जाएगा, समझ गए ना, जो हमको दिया गया है ना उसको चेक करना है। तो यहां से मैं देखूंगा 4 × 3 × 2 और अपॉन में 2 से 2 बन गया, तो कितना आंसर आ जाएगा भैया, 12 आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 12, आंसर आ जाएगा 12। क्लियर होगी बात सभी को कि जो हमारे को दिया है ना वो चीज आपको देखनी है उसमें रिपीट है कि नहीं है। एक ही शब्द को मैंने 2 बार, चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, कोई बात नहीं, लाइट गई तो मोबाइल की लाइट जला लो ना, वैसे भी मोबाइल साइड में ना रखा हुआ है, इसके कॉपी नहीं तो लेके आना है। देखिएगा इसी क्वेश्चन का तीसरा लिख लो, इसी का तीसरा, हाउ मेनी वर्ड्स आर फॉर्म्ड, कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स आर फॉर्म्ड, कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं, कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं। हैविंग फर्स्ट लेटर पी एंड स्टार्टिंग एंड हैविंग फर्स्ट लेटर पी एंड लास्ट लेटर इज ऑल्सो पी, जिसका पहला शब्द पी हो या पहला अक्षर पी हो तथा अंतिम अक्षर भी पी हो, इसका पहला अक्षर पी हो तथा अंतिम अक्षर भी पी हो। एप्पल शब्द है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये शब्द कितना है, अब ये शब्द कितना है, अब ये तो चले गए भाई, ए पी पी एल ई ये सब दिए थे, उसने बोला भाई ये नहीं दिए, ये तो मैंने आपसे ले ही ना लिए, तो बचे कितने, 3, तो ये फैक्टोरियल 3,
तो तीन गुना दो गुना आ जाएगा छह। बात समझ आ गई। तीनों चीजें मैंने आपको बता दी है। पहला आखिरी सेव करना, जो हमें देगा उसमें से रिपीटेशन, ठीक है। तो चलो इस तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये टाइप तो आपकी कंप्लीट, इसमें मैक्सिमम जो लेवल घूम सकता है आपका वो पूरा मैंने कवर कर लिया है। लिखिएगा इक्वेशंस यू ए टी आई ओ एन एस इक्वेशंस, शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। जिनका प्रथम अक्षर N तथा अंतिम अक्षर T हो, जिनका प्रथम अक्षर N तथा अंतिम अक्षर T हो, हाउ मैनी वर्ड्स आर फॉर्म्ड, हाउ मैनी वर्ड्स आर फॉर्म्ड हैविंग फर्स्ट लेटर N, हैविंग फर्स्ट लेटर N एंड लास्ट लेटर T, हैविंग फर्स्ट लेटर N एंड लास्ट लेटर T, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसका पहला अक्षर N हो और अंतिम अक्षर T हो। तो इधर आप देखेंगे भाई, एक बात हो, N बाहर T बाहर, ये दो तो बाहर हो गई, रिपीटेशन है क्या? नहीं है। एक दो तीन चार पांच छह, तो इसका मतलब सात फैक्टोरियल, न रिपीटेशन है न कुछ है। पहला आखिरी तो शब्द है ना, तो इसमें से दो हटा दो। हमारे को कितने अक्षर दिए उनके ऊपर बात करो। तो इसने बोला कि सात छ पांच चार तीन दो एक, दो तिया छह चौका चौबीस पंजा एक सौ बीस गुना छह सात सौ बीस, सात सौ बीस जीरो सात दो चौदह उनचास और एक, तो पांच हजार चालीस, पांच हजार चालीस। बात क्लियर हुई? पहली टाइप कंप्लीट, एक नंबर आपका पक्का। अब इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस टाइप के ऊपर कुछ भी नचे, प्रैक्टिस भी मत करिएगा चीजें ध्यान से। मैं आने वाली दो तीन मिनट में मैं कंप्लीट रिकॉल करवा रहा हूं हमने क्या पढ़ा है, ध्यान से। सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए भाई, सबका ध्यान स्क्रीन पे। सबसे पहला अक्षर था बैट, कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं, याद आ गया? तीन फैक्टोरियल। उसके बाद मैंने सब ऐसा लिया एप्पल, जिसके अंदर रिपीटेशन थी, तो पांच अक्षर थे तो फैक्टोरियल पांच और नीचे रिपीटेशन। बात समझ आ गई? इसके बाद हमने ऐसे ऐसे अक्षर भी लिए थे कि जैसे इक्वेशन लिया था, इक्वेशन तो है ही, चलो मतलब मैथमेटिक्स लिया था जिसमें खूब सारी रिपीटेशन आई थी, मैथमेटिक्स लिया था जिसमें खूब सारी रिपीटेशन आई थी। तो ऊपर तो टोटल लेटर, नीचे रिपीटेशन, समझ आ गया। फिर हमने आया कंडीशनल कि सभी वोवल एक साथ, एक साथ मतलब उनके लिए एक रूम बुक, फिर अलग अलग करके, तो टोटल अक्षर मतलब टोटल रूम, बात वही हो गई, अपॉन में रिपीटेशन और गुणा में क्या करना था उस रूम में जितने बेड थे, यही बात आई। फिर से सभी वोवल एक साथ हो, सभी कॉन्सोनेंट एक साथ हो, वो तो एक ही बात आ गई, समर और व्यंजन। फिर एक क्वेश्चन कराया सभी वोवल एक साथ ना हो, एक क्वेश्चन करा उसमें व्यंजन वाला भी आ सकता है, तो टोटल जब नहीं वाला आ जाएगा तो टोटल में से हा वाले निकाल दो। पहले एक पोर्शन सोल्व किया टोटल, दूसरा पोर्शन सोल्व किया वोवल एक साथ, और तीसरा पोर्शन आया माइनस कर दिया। बात समझ आई? और फिर आया कि कैट शब्द है, सी को अरेंज कर दिया पहले पर,
समझ गए, तो बताइए अब कितने बन सकते हैं। कहने का मतलब हमारे को जितने शब्द देगा ना उसमें चेक करना रिपीट है कि नहीं है, रिपीट है तो नीचे वही लिखो। तो ये वाला एक क्वेश्चन आपके रीजनिंग के अंदर, एनटीपीसी प्री के अंदर, एनटीपीसी मेंस के अंदर, रेलवे के मतलब रेलवे वाले ग्रुप डी वगैरह जो भी है, और बैंकिंग के अंदर ये एक क्वेश्चन आ जाता है। बात समझ आ गई सभी को यहां तक? अब इसका लिखिएगा टाइप सेकंड, ये एक टाइप में आपके यहां से क्वेश्चन बनता है। बड़ा अच्छे से क्लियर होगी होगी बात। अब आते हैं इसकी सेकंड टाइप के ऊपर। बात नहीं, तो फिर भी सब तो दो ही बच गए ना, दो ही बच गए ना, रहते रहेगा मिड में कौन सो। अब दूसरा इसका टाइप आती है नंबर वाली टाइप, दूसरी टाइप आती है नंबर वाली। लिखिएगा एक दो व तीन, इनसे दो अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, इनसे दो अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड, हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड, इनसे दो अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड। देखिएगा दो तो मैक्सिमम नंबर, अच्छा इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यदि पुनरावृत्ति ना हो, If repetition is not allowed, यदि पुनरावृत्ति ना हो, देखिएगा मैक्सिमम कितने नंबर हैं, तीन, और तीन में से एन पी आर, एन मतलब मैक्सिमम जितना था पी आ गया, हमारे को कितने की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने आपको समझाया था इसको सोल्व करने का तरीका कि तीन से शुरू करना है और कितने अक्षर लेने हैं, तो तीन गुना दो तो यानी कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तीन गुना दो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, छह बनाए जा सकते हैं, तीन गुना दो छह शब्द बनाए जा सकते हैं। बात समझ आ रही है सभी को? गर्मी लग रही है क्या? गर्मी लग रही है नहीं, पांच मिनट पंखे चलवा देते ठीक हो जाएगा सब कुछ, है ना। एक बार वो पीछे से भी चला दो यार, पीछे से भी यार, पंखों से ही हो गए, एक बार ही चला दो उधर से ही सारे पंखे, एक बार इसके नीचे से आप भी चला देना, इसके नीचे से। दो चार पांच ये भी चलवाए क्या आप, एक बार इसके नीचे से चलाना यार, इसके नीचे। लिखिएगा तब तक अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, अच्छा उधर वाली लाइन के नीचे क्या इधर होंगे ना, इस पोल के उधर होंगे, इस पोल के इधर है, चला गया बीबी। एक दो तीन चार पांच, इनसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, वहीं से चलेगा यार वहां से, इनसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, अच्छा एक दो तीन चार पांच, तीन अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तीन अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है,
जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, तीन अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो? हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड। Completely divisible by 2 if repetition is not allowed, यदि पुनरावृत्ति संभव ना हो, if repetition is not allowed, यदि पुनरावृत्ति संभव ना हो या पुनरावृत्ति ना हो। देखिएगा, तीन अंकों की संख्या बनानी है। अब जिन बच्चों ने नंबर सिस्टम पढ़ रखा है ना, उनको पता है, जिन्हें नहीं पढ़ रखा, बड़ी छोटी सी बात है। क्या देखिएगा, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर मैं तरीके से सिखाऊं, एक बारी मैं कंसेप्ट सिखा देता हूं, उसके बाद मैं डायरेक्ट पेपर की टेक्निक। भाई अक्षर कितने हैं? 5। इस आखिरी पर या तो 2 आएगा या कितना आएगा? फिक्स है, क्योंकि 2 से कोई भी संख्या तभी भाग हो सकती है या तो 2 हो और या तो 4 हो। बात समझ आ गई? और ये दो तरीके हो गए, या तो 1 तो 2 ले लेना या 4 लेना, दो तरीके तो ये हो गए इसमें। और बाकी एक नंबर कितने बच गए? 2। तो 2 की तो रिक्वायरमेंट है। अब मैंने मान लिया 2 में से और 4 में से किसी एक को ही तो लोगे ना, ऐसा तो नहीं कि 2 भी ले लिया 4 भी ले लिया। 2 में से 4 में से किसी एक को ही तो होगा, या तो 2 ले लिया, भाई 2 रख लो, तो अब शब्द कितने बच जाएंगे? या आप क्या करोगे, या आप 4 ले लोगे तो फिर भी शब्द कितने बच जाएंगे? तो 4p2 करके इधर और गुणा में 2। बात समझ आई थी? देखिएगा मैं समझाता हूं। मैंने क्या किया, इधर ध्यान देंगे एक बार, सभी के सभी बच्चे, कोई लिखेगा नहीं, मैंने 2 ले लिया, ठीक है। अब यहां से 2 ले लिया तो शब्द कितने बच गए भाई? और यहां कितने हैं? ये तो 2 ही तो है, ये तो फिक्स हो गया। तो 4 मेरे पास है मैक्सिमम, और 4 में से मेरे को कितना चाहिए? 2 चाहिए। एक तरीका, अच्छा मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि मैं यहां पे 4 ले लूं, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, फिक्स तो नहीं है 2 ही लेना है। अगर मैं 4 ले लूंगा तो अब शब्द कितने बच गए? इन दोनों के लिए मेरे पास मैक्सिमम शब्द कितने हैं और 4 में से कितने हो जाएंगे? अब यहां भी 4p2 है और यहां भी 4p2 है, तो 4p2 कितनी बार है? 2 बार है। तो मैंने वही समझाया कि एक तरीका तो ये रहा और एक तरीका ये रहा, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहां कितने तरीके हैं, तो 2 को तो ये रखा और यहां पर 4p2। अब 4p2 को अपन कैसे सोल्व करते हैं कि 4 से शुरू करना है, कितने अक्षर लेने हैं? 4 × 3 और गुणा में कर दो तो 4 × 12 × 2, ऐसा किताबें बोलती है। और ये जब हम लोग 11th के अंदर या इनके अंदर करते थे तो तब इस तरीके से अपन इस काम को करके आते थे, लेकिन इतनी सारी राम कहानी को करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें किसी को वहां पर एक्सप्लेन थोड़ी करना, ये तो क्लास के अंदर एक्सप्लेन होती है चीजें, ये बताई है। अब देखिएगा कैसे, अगर मैं आपको समझाऊं, रिपीटेशन लाऊ है ही नहीं, मुझे एक बात बताओ, मैंने एक अक्षर ले लिया यहां पर, कुछ भी ले लो आप, तो अब कितने अक्षर बच गए? 4 में से कुछ भी आ सकता है यहां, 4 में से कुछ भी आ सकता है। मैंने चलो माना मैंने ले लिया 1, अब कितने बच गए? 3 में से कुछ भी आ सकता है यहां, और यहां फिक्स है, इन दोनों अक्षरों में से कुछ भी आ सकता था, मतलब या 2 ले लिया था
चार गुना तीन बारह और बारह गुना दो टोटल कितना हो जाएगा 24, तो आंसर कितना है उसको तो कर लो फिक्स, इसको तो कर लो फिक्स है कि भाई या तो दो आएगा या तो यहां कितने अक्षर हैं, इन दो में से कोई भी एक आ सकता है, इन दो में से कोई भी एक आ सकता है, फिक्स हो गया। अगर एक दो तीन चार पांच इन दोनों में से कोई एक ले लिया, ये ले लिया, तो अब बचे कितने चार, चार में से एक और चला गया तो अब बचे कितने तीन, तो चार तिया बारह दूनी 24, नोट करिएगा। दो तीन क्वेश्चन करेंगे चीजें बहुत आराम से समझ में आ जाएगी, दो तीन क्वेश्चन करेंगे बड़े आराम से समझ में आएगी। एक क्वेश्चन और करवाता हूं ना, ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, घबराइए मत। दो क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा शांति बरतिएगा। एक दो तीन चार पांच और ये छह, एक दो तीन चार पांच छह, चार अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, चार अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, हाउ मैनी फोर डिजिट्स नंबर्स आर फॉर्म्ड, हाउ मैनी फोर डिजिट्स नंबर्स आर फॉर्म्ड, चार अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, हाउ मैनी फोर डिजिट्स नंबर्स आर फॉर्म्ड, जो पूर्णतः दो से विभाजित हो, विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई टू, जो पूर्णतः दो से विभाजित हो, विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई टू, कितने अक्षरों की संख्या है चार की। इधर देखिएगा, जिस बच्चे को पुरानी बात समझ नहीं आई थी, एक बार सभी बच्चे देखेंगे समझ में आई थी वो भी देख लेंगे, क्योंकि सेम सेम चीजें हैं। अब एक बार देखो, अगर दो से विभाजित होना है तो अंतिम अक्षर पर क्या क्या आ सकता है, दो चार छह, या तो दो आ सकता है या तो चार आ सकता है या तो छह, तो कितने अक्षर हैं, इन तीनों में से कोई भी, इन तीनों में से कोई भी, बात समझ आ गई, तीनों में से कोई भी, इन तीनों में से कोई भी शब्द आ सकते हैं। अब एक बात समझो, मैंने चलो मैंने अपनी मर्जी से माना, मैंने ये ले लिया, अब जो ये पहली पोजीशन है इस पोजीशन पर इन पांचों में से कुछ भी आ सकता है, चलो मैंने ये ले लिया, अब कितने बच गए, अब इस पर कोई भी आ सकता है, क्योंकि रिपीटेशन होना नहीं, जो दो आ चुके वो आ चुके, रिपीटेशन नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं है, नहीं लिखवा तो लिख लेना, ये बात नहीं लिखवाता ना तो लिख लेना, पुनरावृत्ति ना हो, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, पुनरावृत्ति ना हो, तो ये कितना है चार, अब इन चार में से कोई भी आ सकता है, फिर एक और हटा दो तो अब कितना बच गया, पांचों का 20 या 60 किया 180, तो आंसर कितना आ जाएगा 180, आंसर कितना आ जाएगा 180, नोट करिएगा कि वहां पर इन तीनों में से कोई एक शब्द चाहिए। अब एक आने के बाद छह में से एक फिक्स, बचा कितना पांच, पांच में से एक और आ गया, रिपीटेशन है नहीं, जो जाता रहा वो जाता रहा, जो बस में बैठ के गया वो गया, अब यात्री कितने रहे उनमें से कोई एक, समझ गए ना,
फिर से बता दें, देखो फिर से बताते हैं, एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच छ, मैं समझाता हूं। ये एक बस स्टॉप पर इतने आदमी खड़े हैं, ठीक है। अब मैं मानता हूं कि बस स्टॉप पर जितने भी आदमी खड़े हैं ये अलग अलग रूट पे जाने वाले हैं, इन तीनों का रूट एक जैसा है। इन तीनों का रूट एक जैसा होने का मतलब क्या है कि तीनों एक रूट पे हैं, कि जैसे अपन नीचे खड़े हैं तो अपन आया कि 7 नंबर बस आ गई, 55 नंबर बस आ गई या कोई भी। तो अब मैं अपन ये मानते हैं कि भाई कोई भी एक बस आ रही है, तो हमने दूर से देखा यार वो आ रही है, उस बस में मतलब इन ये तीनों में से कोई एक जा सकता है, उसमें एक ही सीट है। तो जैसे ही बस आके यहां पे रुकी तो उसने बोला कि भाई आपने नंबर देखा तो ये बाकी तो पैसे ही बैक हो लिए कि हमारे तो काम की बची नहीं है, इन तीनों में से कोई एक जा सकता है। तो मैं कह रहा हूं कि इन तीनों में से कोई एक चला जाएगा, तो तीनों शब्दों की पॉसिबिलिटी यहां तीनों की बनती है, पॉसिबिलिटी। बात समझ आ गई। अब मैंने अपन ने माना कि ये छह चला गया, छह चला गया। अब इस स्टॉप पर यात्री कितने हैं, अब इस स्टॉप पर 5 यात्री बच गए। अब अगली जो भी बस आएगी, अगली जो भी बस आएगी, इन पांचों में से कोई एक तो चढ़ेगा ना, कोई एक ही चढ़ना है, तो पांचों में से कोई भी चढ़ सकता है। अगली बारी मैंने माना 2 चला गया, अब कितने यात्री बच गए। अगली बस जब आएगी इन चारों में से कोई चढ़ेगा। अगली बार मैंने माना 1 चढ़ गया, तो अब यात्री कितने बच गए, तो अगली बारी इन तीनों में से कोई एक चढ़ेगा। तो अब 3 × 3 = 9, 45 × 4 = 180। समझ में आई बात। अब तो जिस केस में रिपीटेशन नहीं होना, ये तो बड़ा आसान केस है कि चेक कर लो लास्ट में जो फिक्स करना है उसके बाद एक एक हटाते रहो, एक एक ही तो हटना हर बारी। ऐसा तो है नहीं कि सर कभी 2 हट गए तो एक शब्द के ऊपर 2 थोड़ी लिखोगे, कि पहले लिखा 7 फिर इसी के ऊपर लिखा 8, ये तो शब्द ही नहीं बड़ा कुछ भी। तो इसलिए हमेशा एक एक ही, जिसमें रिपीटेशन नहीं है ना, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है यार। अगर रिपीटेशन नहीं है तो बड़ा आसान क्वेश्चन ये कि पहले एक को फिक्स कर लिया जितने भी पॉसिबिलिटी थी, अब एक एक हटाते रहो उसमें से, टोटल नंबर में से एक वहां गया, फिर एक गया, फिर एक और गया, इस तरीके से। चलो एक और करते हैं और समझ में आएगी बात, समझ में आए बगैर छोड़ेंगे नहीं। तो 4, 5, 6, 7 और 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, चार अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? चार अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? हाउ मैनी 4-digit इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड? हाउ मैनी 4-digit इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड? चार अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? हाउ मैनी 4-digit इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड? चार अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? अब मेरी एक बात बड़ा ध्यान से समझना, इधर देखिएगा, जिस बच्चे को समझ नहीं आया वो उसको ये आ जाएगा, इधर देखिएगा, सम संख्या, सम संख्या बनानी है, इवन नंबर, तो हमारे को पता है कि इवन नंबर क्या होता है, आखिरी शब्द 2, 4, 6, 8, 0, तो या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा, कहने का मतलब इन चारों में से कोई एक तो होगा। हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, अच्छा इसमें भी लिख लेना, रिपीटेशन नॉट अलाउड, यदि पुनरावृत्ति ना हो, बाकायदा लिख के देगा वो कि पुनरावृत्ति है कि नहीं है, यदि पुनरावृत्ति ना हो। ये आ गया। अब अगर मैं बात करता हूं, ये आ गया है 4। अब एक बार देखिएगा, चलो मैंने माना कि ये चला गया, अब अक्षर कितने बच गए,
सात बच गए ना, तो इन सातों में से कोई भी आ जाएगा, फिर एक और चला जाएगा तो कितने बच जाएंगे, फिर एक और चला जाएगा तो कितने बच जाएंगे, पांच चौका बीस, बीस सत्ता एक सौ चालीस, आठ सौ चालीस। जब पुनरावृत्ति नहीं है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब पुनरावृत्ति नहीं है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, एक और क्वेश्चन सीख के जाना है, आज का तीन घंटा आपका हमेशा के लिए काम आ जाएगा, क्योंकि इस तरह के टॉपिक सीखने में देखिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि या तो हमारे को स्कूल लेवल पे इतना बेहतर आता होता, लेकिन स्कूल लेवल वाली पढ़ाई अलग होती है, यहाँ की पढ़ाई मैं फिर कह रहा हूं कि वहां की डिग्री के नंबर सिर्फ एक मार्कशीट है कि आप ही वो व्यक्ति है और आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, इसके अलावा उस डिग्री का कोई मोल नहीं है, वो डिग्री सिर्फ साइड में चेक करने के लिए है, बाकी आपका सारी परफॉर्मेंस आपके दिए गए एग्जाम के ऊपर निर्भर करती है। और मैं ये जो बीच बीच में एग्जाम्पल देता हूँ यार, मैं स्पष्ट बताता हूँ, चलो इन चीजों को कई बार हम मजाक में बता देते हैं कि दो पेपर थे, छह पेपर थे, लेकिन चलो ये ऐसा नहीं था, लेकिन हम लोग इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड नहीं थे, हर किसी के मुंह से आपने ये बात सुनी कि हम तो बहुत टैलेंटेड थे। मैं स्पष्ट बताता हूँ यार, 60-70% का स्टूडेंट कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता है, लेकिन हम लोग अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके आए हैं चार चार बार पेपर क्रॉस करके, कहते ना कि कुछ रूल एथिक्स फॉलो करिए आप, मगर हम सफल हुए हैं ना तो आप भी होंगे यार एग्जाम के अंदर। आज भी काम कर रहे हैं आगे जाने के लिए, लेकिन मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि 90% वाला बच्चा ही सोच सकता है कि यार मैं तीन चार बार पेपर क्रॉस कर दूंगा, जिसमें लाखों लाखों बच्चे हर साल फेल होते हैं, पहली बारी में कोई नहीं सोचता है, लेकिन जैसे जैसे मिलने लग जाता आगे बढ़ते चले जाते हैं। चलो ये चीज बड़ी मजाक की बता दी थी कि दो पेपर छह पेपर ये, लेकिन हकीकत ये है कि पास होने के लायक नंबर हम ले आते थे, क्यों, माइंड में बहुत पहले से इस बात को सेट कर दिया गया था कि ये डिग्री के नंबर सिर्फ इतने काम के हैं, लेकिन आप अपने काम पे लगिएगा, उस काम के ऊपर बड़ा जोरदार तरीके से काम हुआ है तब जाके इतनी क्लियरिटी आती है। कहते हैं ना कि अच्छी बात है आपके 80% में आ जाए नंबर आ जाए डिग्री में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जितने नंबर आपके आ जाए ना बहुत अच्छी बात है यार, लेकिन अगर नंबर 65 रह गए, 55% रह गए, 50 रह गए, तो डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। जो अब कर रहे हो ना आप, उसमें अगर एक नंबर किसी से कम है ना, ये फर्क डाल जाएगा, एक नंबर डिपार्टमेंट बदल जाएगा। 400 मैं मानता हूं 483 नंबर पे मिला इनकम टैक्स, और 483 से जस्ट नीचे 482.75 पे मिल गया एक्साइज, 25 ने डिपार्टमेंट अलग कर दिए, डिपार्टमेंट अलग का मतलब है लाइफस्टाइल ही अलग हो गया, उस डिपार्टमेंट की अपनी कहानी है। इन चीजों के बारे में हम क्यों नहीं सोच पाते हैं, मैं फिर कह रहा हूं इन चीजों के बारे में इसलिए नहीं सोच पाते कि हमें बताने वाले नहीं होते। कहते ना कि जब हम लोगों ने एग्जाम क्रॉस किया ना, तब मन में ये बात थी कि यार अगर हम इतना क्रॉस कर गए ना कभी, तो हम अपनी हर चीज को बच्चों से शेयर करेंगे कि ऐसा ऐसा करिए, क्योंकि इससे क्या है जो उस रास्ते से निकलेंगे अच्छा लगता है कि चीजें, एटलीस्ट हम निकल के आए तो आप भी निकल के आए। सिर्फ और सिर्फ भीड़ से निकलने का एक ही रास्ता है कि आपकी गाइडेंस बहुत अच्छी हो, आपके साथ का प्रभाव बहुत पड़ता है आपके ऊपर, हकीकत है। बच्चा कई बार उतने ही स्टैंडर्ड की बात सोचेगा, वो बेचारा रह जाता, माँ बाप ने आपको भेजा है कि डिग्री भी करो जाके, अब बाय चॉइस आए हैं कि बाय चांस तैयारी में नहीं आए हैं आप, मैं बोलता हूं बाय चॉइस आपकी तैयारी है कि आपको कंपटीशन के फील्ड की तैयारी करनी है, और आपने ही चॉइस किया और आप उस चॉइस को ही गलत प्रूव कर दे तो फिर लाइफ में दिक्कतें तो आएंगी ना, या तो बाय चांस हो, और बाय चॉइस वाली चीज खराब नहीं होनी चाहिए। जब हमारे से चॉइस में पूछ ही लिया कि बीए करेंगे कि बीएससी करेंगे, बाय चॉइस है वो चीज, दसवीं तक सेम था, इलेवेंथ क्लास में बाय चॉइस कि भाई साहब आप मेडिकल लेंगे कि नॉन मेडिकल लेंगे कि आर्ट लेंगे कि कॉमर्स लेंगे, अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने लिया कि हम कितनी मेहनत कर सकते हैं, मैं आर्ट लूंगा जी, मैं कॉमर्स लूंगा, मैं मेडिकल लूंगा, मैं नॉन मेडिकल। उसके बाद दो साल के बाद दोबारा हमसे चेकअप हुआ
कि कोई बदलना चाहे तो बदल सकता है। 2 साल में, 2 साल बहुत बड़ी बात होगी है, पता लग गया है कि भाई मैं गलत तो नहीं आ गया था इस लाइन में। फिर हमसे पता चला कि आप बीए में जाना चाहते हैं कि बीएससी में जाना चाहते हैं कि सब किसी में भी जा सकते हैं, एक आध पेपर एक्स्ट्रा देके। उसके बाद जो एक लाइन बन गई ना, अब उसके 3 साल के बाद फिर एक च्वाइस आई है दोबारा कि आप गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहते हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं। फिर हमने च्वाइस ली कि गवर्नमेंट में जाना है।